हम फाइनली ग्राफिक डीम्ड आ चुके हैं, बाकी ये रहा हमारा कैंपस डीम्ड का। तो गाइस यहाँ पर लौंडे भीमताल कैंपस की बुराई करते हुए और डीम्ड कैंपस की अच्छाइयाँ दिखाते हुए बोस के स्पीकर्स लगा रखे हैं। स्पीकर्स जो स्पीकर्स लगा रखे हैं वो बोस के लगा रखे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम देहरादून में हैं। आप लोगों को पता होगा, आपने पुराना ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने दिखाया था आपको, हम भीमताल कैंपस से देहरादून कैंपस आए हैं, डीम्ड कैंपस आए हैं। सो बेसिकली अभी जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं शायद से आठ या 8:30 बज रहे हैं, और आप देख लो कुछ ऐसा ही हुआ है। बाकी हमें 9 बजे भी हमें जाना है प्रैक्टिस के लिए। और जो है मतलब जो भी हमारी जो कल्चरल हमारा हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हमें एक तरीके से दिखाने हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी लौंडे जो है वो तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। लौंडे आ रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गाइस हमें ना नीचे जाना पड़ता है मैस के लिए, नीचे जाना है मैस के लिए। अंडरग्राउंड में बनी हुई है मैस, आप लोगों ने शायद कल के ब्लॉग में देखा होगा। ब्रेकफास्ट में जो है आलू के पराठे, दही है और चाय। गाइस फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, और अभी जो है हम लोग अभी बज रहे हैं 8:50, और सारे लौंडे रेडी है जाने के लिए। बाकी कॉलेज की बसें वगैरह आ रही है, और यहाँ पर रुके। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल है, उसके जस्ट लेफ्ट में ये जो बना हुआ है, इधर रह रहे हम लोग। तो एक ही रूम में हम 14-15 लोग हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके। बाकी दिक्कत तो कोई नहीं हो रही है, खाना वाना भी बढ़िया हो रहा है यार, हमारे भीमताल कैंपस से बहुत बढ़िया हो रहा है। भीमताल कैंपस में तो इतने मोटे मोटे पराठे होते करके, यहाँ पर बढ़िया हो रहा था। चलो भाई अभी फटाफट चलते हैं, लौंडे आ रहे हैं सब गिटार इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेकर, और अभी चलते हैं वो फॉर्म करते हैं हल्के। और अभी जो है फाइनल मतलब अभी जो है हम लोगों को शायद फैकल्टीज को दिखा रहे हैं करके कैसा हो रहा है, तो देखते हैं चलते हैं। गाइस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग ना यहाँ पर मतलब कल आए थे 19 को, और हम लोग शायद जहाँ तक है तो मतलब 21 और 22 को जो है हमारा बेस्ट होगा, जो भी है कंपटीशन होगा 21 और 22 को, और बाकी हम शायद से 23 को जो है वापस चले जाएंगे अपने भीमताल कैंपस। तो अभी जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 3 दिन है। हम फाइनली ग्राफिक डीम्ड आ चुके हैं, बाकी ये रहा हमारा कैंपस डीम्ड का। क्या व्यू आ रहा है नहीं और क्या हुआ? ये सिल्वर जुबली अरे ऑडी, कौन सी वाली ऑडी है ये? A4। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, ये भी ये हल्द्वानी कैंपस है, हल्द्वानी कैंपस वाले हैं लोग। तो गाइस यहाँ पर लौंडे भीमताल कैंपस की बुराई करते हुए और डीम्ड कैंपस की अच्छाइयाँ दिखाते हुए बोस के स्पीकर्स लगा रखे हैं। स्पीकर्स जो स्पीकर्स लगा रखे हैं वो बोस के लगा रखे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बेस ट्यूब देख, वहाँ पे 4 बेस ट्यूब रखी हैं, वो भी ओरिजिनल JBL की हैं, देख रखी हैं। तो गाइस यहाँ पर जो है अभी पहाड़ी डांस की प्रैक्टिस चल रही है, और हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो सिंगिंग की प्रैक्टिस, अपने ग्रुप सिंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्या ही कैंपस है भाई, अपने भीमताल कैंपस का मतलब कुछ भी नहीं है भीमताल कैंपस इसके सामने। तो सुन लो, भीमताल में रहते हैं तो वहाँ पानी खत्म हो जाता है, तो पानी भी खत्म नहीं होता है।
बाकी यहाँ पर डांस की प्रैक्टिस चल रही है। जो मतलब इंटर कैंपस कॉम्पिटिशन है ना ग्राफिक्स जो बेसिकली हो रहा है 2023 वो यहाँ पर मतलब होगा ग्राउंड में। और बाकी यहाँ पर हम लोग जो है अभी जा रहे हैं रिहर्सल के लिए। तो गाइस अभी जो हम लोगों को एक तरीके से परफॉर्म करना है और शायद राखी मैम को हमें दिखाना है कैसी कैसी क्या परफॉर्मेंस है। बाकी अभी हम अंदर चल रहे हैं मेन कैंपस में, डीम्ड में हैं हम लोग और सारे हमारा ग्रुप। अभी जो है भीमताल कैंपस में हमारे भीमताल कैंपस के जितने भी परफॉर्मर हैं वो सब यहाँ पर बैठ रहे हैं सेकेंड रो में। और सीन ये है अभी हमारे लिए यहाँ पर प्रेजेंट परफॉर्म करना है और ग्रुप सिंगिंग जैसे हमारी जो है वो अभी बेसिकली लास्ट में है तो अभी जो है डांस वगैरह होंगे। और ये देख लो आप लोग यहाँ पर सब पार्टिसिपेंट्स हैं। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और अभी तक हम लोगों की एक भी बार रिहर्सल नहीं हुई है। सारी परफॉर्मेंसेस हो रही है, आप लोग देख सकते हो इधर क्लिप आप मैंने डाल दी थी और यहाँ पर हमारा ग्रुप खड़ा हुआ है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं अपने अपनी टर्न का, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चटाकलाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोहरी जो आज की परफॉर्मेंस थी वो हो चुकी है, मतलब काफ़ी ठीक रही। और भी परफॉर्मेंसेज जो थी वो हुई और बाकी कल डे टू है तो उसका भी ब्लॉग आएगा। और अभी जो है हम लोगों को बहुत ही भूख लग रही है तो हम लोगों ने मंगवाए हैं मोमोज और अचारी चाप, तो भैया जो है आके लेकर आ चुके हैं। और ये रहे हमारे यम मोमोज के स्टीम मोमोज और अचारी चाप। सो गाइस चलिए टेस्ट करते हैं फटाफट से कि कैसा बना है। सो गाइस आ चुके हैं मोमोज और फटाफट से देखते हैं क्या है इसमें। लेकिन एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो, मैं बताता हूँ। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हे विश्वजीत, तुम्हें मोमोज पसंद हैं हमें। अच्छा तुम्हें मोमोज पसंद हैं, हमें मोमोज खाते हो तुम। बाकी ये लाहौरी जलजीरा और साथ में ये हमारे लिए क्या दिया है, सो इसमें मेन आइटम है हमारा। और ये जो है ये चटनी है। सो भाई टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। गाइस मज़ा आ गया, यम मोमोज के अचारी चाप मोमोज।
क्या, मेरा तो यार है हीरा। वास्ते क्या कुछ नहीं किया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 1000 बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों।